मैं अभी एसएसबी के ऑफिशियल साइट पर हूँ, जहाँ पर एसएसबी कंस्ट्रोल ट्रेड्समैन की पूरी अपडेट मिलती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ एसएसबी कंस्ट्रोल ट्रेड्समैन की, जो भी आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उस वक्त आपको कुछ बात की ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट साथ कर लेकर जाना है, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड और आपकी कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसको लेकर जाना है। उसका सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा है कि आपका जो पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और उसके बाद ही आपका कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉर्मली किया जाएगा, और उसके बाद ही आपका फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा, और उसके बाद ही आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि रिटन एग्जामिनेशन 100 मार्क की होगी, और उसके साथ 100 मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन रहेगा, और उसके साथ आपका 2 घंटे की ये एग्जाम चलेगी, और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और ट्रेड टेस्ट के बाद ही आपका मेडिकल होगा। लेकिन ये जो होगा तो ये अलग अलग डेट के हिसाब से होगा। पहले आपका फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा, उसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, और कुछ दिन के बाद ही आपका रिटन एग्जाम होगा। इस तरह ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका जो फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट होगा उस पर आपका मेल कैंडिडेट की 4.8 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करना रहेगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर रेसिंग, जो कि 18 मिनट में कंप्लीट करना ही होगा। तो उस बात की आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको रनिंग का अच्छी से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके ही जाना है, क्योंकि वहाँ पर रनिंग की कोई भी दिक्कत होगा तो आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। उस बात की आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बात बता देना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, आपको एसएसबी की कंस्ट्रोल की जो एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट तो अभी तक नहीं आया है, लगभग इस महीने लास्ट तक आपकी अपडेट आ सकता है। इस महीने लास्ट तक अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, नहीं तो जब भी कोई भी एसएसबी कंस्ट्रोल ट्रेड्समैन की कोई भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए, और इस तरह गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक कर रखें। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।